बढ़ते डिजिटल क्रांति के युग में साइबर ठगों द्वारा नए नए तरीके इजाद कर आम जन को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। आजकल एक नई मॉडस ऑपरेंडी, जिसको तरीका ये वारदात भी कहते हैं, साइबर ठगों द्वारा अपनाई जा रही है, जिसको डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। डिजिटल अरेस्ट में साइबर अपराधियों द्वारा स्वयं को केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, साइबर पुलिस सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में स्वयं को दर्शाते हुए आमजन, पीड़ितों एवं उसके परिवारजनों को अवैध गतिविधियां जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट, पार्सल में प्रतिबंधित वस्तुओं का मिलना, एयरपोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, रेप, एक्सीडेंट करते हुए पकड़ना इत्यादि अपराधों में लिप्त होने का भय दिखाकर परिवारजनों को झूठे प्रकरणों को रफा दफा एफआईआर दर्ज नहीं करने के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही है। पीड़ितों को साइबर अपराधियों द्वारा वीडियो कॉल करके बैकग्राउंड में फर्जी ऑफिस सेटअप दिखाकर, जिसमें नकली पुलिसकर्मी, कस्टम ऑफिसर्स, सीबीआई आदि ऑफिसर्स को दर्शाते हुए ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम ओरिजिनल पुलिस हैं। साइबर अपराधियों द्वारा पीड़ितों को वीडियो कॉल, वीओईपी कॉल्स, स्काइप कॉल आदि करके तब तक उनको कॉल पे रहने के लिए मजबूर करते हैं जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर आम जन से इनकी गाड़ी कमाई का पैसा अपराधियों द्वारा बताए गए फर्जी बैंक खातों में जमा करवाते हैं। अतः आप इन साइबर ठगों के चंगुल में ना फंसें एवं ना ही इस प्रकार का कॉल आने पर घबराएं। इस प्रकार के कॉल की जांच पड़ताल करने के उपरांत आप तसल्ली करें, उसके पश्चात आप आपके स्थानीय पुलिस थाना, साइबर पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। आपकी सतर्कता, आपकी जानकारी ही आपको साइबर अपराधियों से बचा सकती है। राजस्थान पुलिस साइबर पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जय हिंद, जय भारत।